हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेनू, बायोलॉजी टीचर। और देखिए, हम अपना जो नाइन्थ का सिलेबस है वो स्टार्ट किया है हमने। उसमें हम अपना फर्स्ट से लेके एंड तक का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। बट उसमें पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी में हमने जो इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा, जो जनरल जो इंट्रोडक्शन होते हैं साइंस का वो पढ़ा, और इंडिया ने क्या क्या जो भी अपना कंट्रीब्यूशन किया उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद में हमने हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में डिफरेंस पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि जो बहुत सारे थ्योरीज दी सबने अलग अलग सिद्धांत जो दिए, उन सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वो थ्योरीज कैसे कैसे दी सबने, मतलब सब क्या बताना, ये टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड जितनी भी लोगों ने अवधारणाएं दी, जितनी भी थ्योरी दी, सिद्धांत दिए, तो जितनी परिकल्पनाएं दी, उन सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जितने भी हमने पढ़े अब तक, उन सब में किसी ने मतलब ये फिक्स नहीं बताया कि जीवन की उत्पत्ति इस हिसाब से हुई। सबने क्या कि सबने सिर्फ अंदाज के बेस पे बताया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस हुई। तो देखिए, हमने स्वतः जननवाद पढ़ लिया, ठीक है, कॉस्मोजेनिक थ्योरी पढ़ ली, ओके। उसके बाद हमने जैव जननवाद पढ़ लिया, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हमने, लुईस पाश्चर का पढ़ा। अब जो अगला जो हमने सिद्धांत पढ़ा था किसका था, ओपेरिन थ्योरी थी। तो देखिए, अभी ओपेरिन थ्योरी के हमने अब उसके बारे में आपकी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एक बार उसको फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ओपेरिन थ्योरी में हमने क्या किया था कि जो कैसे सिंपल कंपाउंड्स से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे और उनसे कैसे लाइफ का ओरिजिन हो रहा था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, वो चीज़ कम्प्लीट हो चुकी है। अब ये जो थ्योरी थी ओपेरिन थ्योरी, इसका पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ एक नए वैज्ञानिक थे, किसने दिया, मिलर ने दिया। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में कि उसने कैसे कैसे प्रोसेस बताई कि किस किस हिसाब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मिलर थ्योरी। तो देखिए, मिलर ने क्या किया कि जो ओपेरिन ने थ्योरी दी, तो ओपेरिन ने बताया हाइड्रोजन कार्बन उनका मिक्सचर, ये सब चीज़ें। फिर उन्होंने उसी से क्या बताया, उन्होंने आगे रिएक्शन करके जो अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे उनका फॉर्मेशन किया। इसने उस चीज़ को प्रैक्टिकल में बताया कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन सब से कैसे मेथेन बनती है, कैसे अमोनिया बनती है, और फिर कैसे उनसे जो आगे अदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स उनका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में बताया मिलर ने। तो इन्होंने भी क्या क्या उसके लिए प्रैक्टिकल किया, और उस प्रैक्टिकल के इन्होंने क्या किया कि जो कुछ भी जो जैसे उपकरण जिसको हम बोलते हैं, कोई जैसे फ्लास्क लिया इसने, और इन्होंने क्या किया उसमें कौन कौन से गैसेस ली, हमने किस किस का फॉर्मेशन पढ़ लिया था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या मिलके बना था, मेथेन बनी थी, अमोनिया बनी थी, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बन पहले से कौन सी प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन ये प्रेजेंट थी, ठीक है। और जो ऑक्सीजन थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट थी। इसके अलावा इन्होंने मिलके किसका फॉर्मेशन कर लिया, मेथेन का और अमोनिया का, CH4 और NH4 का। तो अब देखिए ये सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो मिलर ने गैसेस का एक इन्होंने क्या किया मिक्सचर बनाया, और उस मिक्सचर में इसने क्या क्या मिक्स किया वो देखिए। इसमें इन्होंने NH4 लिया यानी कि अमोनिया, ठीक है, और क्या लिया इसने, CH4, मेथेन, और क्या ली, हाइड्रोजन। ये तीनों चीजों का इसने क्या किया मिक्सर लिया, और इसी मिक्सर से क्या किया इसने पूरे जो अपना प्रैक्टिकल था, जो भी इसने एक्सपेरिमेंट था उसको पूरे को कंप्लीट किया। इन तीनों का उसने क्या लिया मिक्सर लिया सबसे पहले। तो अब इसने क्या किया, इसने जिस उपकरण जिसको हम बोलते जिस फ्लास्क में इसने इसको लिया, इन सबको लिया,
इसके बाद इन तीनों को फिर उसने क्या किया, उस फ्लास्क को लगातार गर्म किया, क्या क्या उसने फ्लास्क को गर्म किया, ठीक है, हीटिंग प्रोसेस हुई। अब इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे वो गर्म होता है, तो आप खुद देखिए, मान लीजिए आप इसे चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, तो आप अगर मान लीजिए पानी है, अगर उसको आप बॉयल करते हो तो उसमें भाप उड़ने लगती है थोड़ी देर में, जैसे वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने भी इसको जब भाप दी, फ्लास्क को गर्म किया, तो इससे क्या हुई, वाष्प जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होने लग गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, वाष्प का क्या होने लगा, संघनन, और इससे क्या होने लगा, फिर वो लिक्विड में, द्रव में चेंज होने लग गई, यानी कैसे होने लग गई, वो द्रवित होने लग गई, वाष्प किससे, संघनित्र के द्वारा, यानी संघनन की प्रोसेस हुई, उससे क्या हो गया, वो द्रव के अंदर चेंज होती रही। और देखिए इससे क्या हुआ कि वाष्प तो बन रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर गैसेस भी बन रही हैं, तो इससे क्या हुआ कि जो गैसें थी उनका मिश्रण बनने लगा, सिंपल कंपाउंड्स लेयर, उनसे क्या बनने लगा, गैसों का मिश्रण बनने लगा। गैसों का मिश्रण कैसे बना, इसने पूरा मैटर लिया है, ऐसे गैसेस ली हैं, उनको फिर ये बॉइल कर रहा है, तो उससे क्या होने लगा, लिक्विड में चेंज होने लगा, उसे भाप उड़ रही है, तो क्या हुआ, गैसों का फॉर्मेशन हुआ, और ये प्रोसेस उसने करी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या देखा कि एक सप्ताह के बाद में ये जो जहाँ पे ये सारी गैसेस, जैसे अमोनिया है, हाइड्रोजन है और मेथेन है, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी वहां पे, तो इसने क्या देखा कि एक सप्ताह बाद इसने क्या देखा कि एक सप्ताह के बाद में जो ये सारी गैसेस जहाँ पे मान लें वहां पे मिश्रण बन रहा था, उसने वहां पे एक लाल रंग का पदार्थ देखा, क्या देखा, लाल रंग का पदार्थ देखा, ठीक है, गैसे हैं वो पूरा उबल रही हैं वहां से, वहां पे इसने क्या देखा, लाल रंग का पदार्थ देखा। फिर जब ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इन्होंने देखा कि सारी गैसेस हैं वो बॉयल हो रही है, लेकिन उनके मिक्सचर में क्या बना, लाल रंग का पदार्थ बना, तब इन्होंने उसका पूरे का एक्सपेरिमेंट किया और फिर देखा कि कैसे इनके अंदर अदर जो जैसे उनमें क्या क्या बन रहा है, फिर पूरा जब एनालिसिस किया तो उसके बाद पता चला कि ये जो लाल रंग का पदार्थ है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है किसके अंदर, सारी गैसें हैं, ठीक है, मिल रही है, तो आप ये ऐसे डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या बना, इन गैसों के बीच में ये पदार्थ बना, जिसको क्या, जिसके अंदर क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, और कौन कौन से, देखिए जैसे मान लीजिए ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन है, इसी तरीके से अदर जो क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उस पूरे लाल रंग के पदार्थ को उन्होंने एनालिसिस किया, और वो एनालिसिस करने के बाद इन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो क्या थे, जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो जैसे ग्लिसरीन है, वो सारी चीज़ इसके अंदर क्या थी, प्रेजेंट थी। तो फिर इसने ये जब चीज़ें देखी कि गैसेस बॉयल हो रही हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इसके बाद इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने फिर इसी से क्या निकाला, जिसको निष्कर्ष हम जिसको बोलते हैं, वो निकाला कि इसी टाइप से क्या हुआ है, लाइफ का ओरिजिन हुआ है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति जिसको हम बोल रहे हैं, वो जीवन की उत्पत्ति इसी तरीके से हुई है। कैसे, क्योंकि देखिए ओपेरिन ने क्या बताया था, ओपेरिन ने तो बताया था कि हाइड्रोजन कार्बन मिक्सर हुआ, फिर मेथेन बनी, फिर उन्होंने आपस में रिएक्शन करी, फिर उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, फिर आगे उनसे जल बना, उसने ये सब बताया। लेकिन मिलर ने क्या बताया, इसने प्रयोग करके बताया कि इसे सारी गैसेज हैं, कौन सी ली इसने, हाइड्रोजन ली है, मेथेन और अमोनिया ये ली हैं, और ये सब चीज़ें ली, जहाँ पे संघनन हो रहा है वहीं पे क्या बना, लाल रंग का पदार्थ, मीनिंग यहाँ पे, यानी कि सारी जो चीज़ें थी उन्होंने क्या किया, आपस में रिएक्शन करी और उससे फिर क्या बनने लगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से सिंपल कंपाउंड्स थे, उससे अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होने लग गया,
तो इसी तरीके से इन्होंने क्या बताया, मिलर ने लाइफ का ओरिजिन किस टाइप से होता है उसके बारे में बताया। तो देखिए ये जो थ्योरीज थी कौन सी थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी कि मेन जो हमारा क्या टॉपिक था, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे जिसमें क्या क्या थे कि जो लाइफ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो सारे जो थ्योरीज थे हमारे वो कम्प्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से थ्योरीज थे वो देखिए आप एक बार। तो फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और ऐसे अगर आप लगातार और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके फीडबैक बता सकते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे हमारा मिशन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं एक बार हमने कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी। सबसे पहले आता है स्वतः जननवाद, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है कॉस्मोजोइक थ्योरी, और थर्ड पे आता है जैव जननवाद। फोर्थ पे आता है ओपेरिन, फोर्थ कौन सा है, ओपेरिन सिद्धांत, ठीक है। और अब हमने कौन सा पढ़ा, मिलर का सिद्धांत। ये मेनली थ्योरी थी जो किससे रिलेटेड थी, जो क्या बताते हैं कि जो हमारा जो जीवन है उसकी उत्पत्ति किस टाइप से हुई, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए एक बार हम देखते हैं इनमें क्या बताया। स्वतः जननवाद में तो क्या बताया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे होगा, अपने आप हो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में कॉस्मोजोइक में क्या बताया कि धूल गैस ये पिंड जो थे उनसे फॉर्मेशन हुआ, आगे उन्होंने रिएक्शन करी आपस में। जैव जननवाद में क्या बताया, देखिए ये जैव जननवाद जो है इसके अंदर एक वर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जीव से जीव की उत्पत्ति, जीव से जीव की उत्पत्ति। देखिए वैसे भी जनरली होता तो यही है, जनन आ गया प्रोसेस, यही होता है जनन प्रोसेस में कि जो भी जीव है वो अपने जैसे दूसरे जीवों को पैदा करता है, और यही बात किसने बताई, जैव जननवाद में बताई, ठीक है। कॉस्मोजोइक में तो क्या बताया, धूल कणों से गैसे पिंड थे उनसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। स्वतः जननवाद में क्या हुआ, अपने आप। ओपेरिन ने क्या बताया, इसने कार्बनिक यौगिकों के बेस पे बताया कि कार्बनिक यौगिकों से क्या बने, जटिल यौगिक बने, ठीक है। और मिलर ने क्या कर दिया, पूरी तरह से अभी हमने पढ़ा है, पूरी तरह से इसने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे कैसे उनके अंदर कौन कौन से जो भी मैटर थे, ऑर्गेनिक मैटर थे, वो प्रेजेंट थे। तो ये सारी थ्योरियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको ये थ्योरियाँ दी किस किस ने वो ध्यान रखना है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।